बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वी हैव स्टार्टेड विद द रिलीज। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रिलीज एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीज। सो इन कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस लेक्चर वी विल continue the types of the release. So the major three types are the solid state release, the electromagnetic release, and the numerical release. Okay, so okay, so let's start. With the solid state release. Okay, so so briefly about the electromagnetic release. Actually, electromagnetic release are said to be the first generation release. Okay, and these were the old release. So due to different problems in the electromagnetic release, we have switched to the solid state release and the numerical release. Okay, so okay, resume share. New share. Okay, so electromagnetic release. First, we will study electromagnetic release. Then we will switch to the solid state and numerical release. The electromagnetic release are the first generation release because these were the old released, and these are based on the principle of electromagnetic energy conversion in decision making or overcurrent relay, which issues a trip signal if current in the apparatus is above a reference value. So last class में भी मैं आपको बताया था कि इसमें हम एक preset value रखते हैं, ठीक है, और electromagnetic release जब उस preset value से बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि न्यू ट्रिप हो जाता है, सही। सो बाय प्रॉपर ज्योमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, अ लॉरेंट्स फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑपरेटिंग कॉइल क्रिएटिंग द ऑपरेटिंग टॉर्क। असल में होता क्या है, आपको पता है इसमें एक मूविंग मैकेनिज्म होती है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट कर लेता है, सही। सो अगर हम बी को जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर उसको हम परमानेंट मैग्नेट के तौर पर यानी ले लें, बी हम परमानेंट मैग्नेट से हासिल करें, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो टॉर्क होगा वो टोटली डिपेंड होगा इंस्टेंटेनियस करंट पे, और इंस्टेंटेनियस करंट पे जब डिपेंड होगा तो आफ्टर एवरी साइकिल क्या होगा कि उसकी जो वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू, वो ज़ीरो आएगी हमारे पास, इसलिए हमारे पास पर टॉर्क भी ज़ीरो होगा। यानी जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है यानी बी पे, ठीक है, और आई पे। सो अगर बी हम परमानेंट मैग्नेट से लेंगे तो ये होगा कांस्टेंट, ठीक है।
जिसकी वजह से, अच्छा, हमारा जो टॉर्क होगा वो टोटली डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, यानी फिर आई पे, सही। और आई अगर साइनोसाइडल है, जाहिर बात है, तो आफ्टर कंप्लीट साइकिल व्हाट विल हैपन, द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, सो द टॉर्क विल आल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, सो देर विल बी नो टॉर्क, देर विल बी नो रोटेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, सो और दैट इज़ वाई वी कैन नॉट टेक बी एज कॉन्स्टेंट वैल्यू फ्रॉम द परमानेंट मैगनेट, सो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू टेक इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ द परमानेंट मैगनेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आप सबको पता है कि कॉयल कॉयल जो है उसको वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, उसकी करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, सो एज लॉन्ग एज द वोल्टेज इज अप्लाइड द करंट इज फ्लोइंग, सो वी विल गेट अ फ्लक्स दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। और परमानेंट में तो आपको पता है कोई सप्लाई नहीं दी जाती, वो तो ये नहीं जिस तरह आप लोगों ने वो हॉर्स शू मैगनेट या बार मैग्नेट पड़े हैं, सही, तो इसमें इसका कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ये क्या है, यानी इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, बस ये भी कॉन्स्टेंटली दे रहा होता है चाहे सप्लाई हो या ना हो, सही। तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी वजह से यानी टॉर्क का सारा डिपेंड आई पे होगा, और जब आई पे होगा तो आई चूंकि उसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो इसलिए टॉर्क भी हमारा ज़ीरो होगा, सो फॉर दैट पर्पज़ वी विल कंसिडर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट चूंकि साइनोसाइडल से ही बना होगा, साइनोसाइडल एसी से, सो हमारा बी भी साइनोसाइडल होगा और हमारा जो आई है वो भी साइनोसाइडल होगा, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, चाहिए ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे सो क्या होगा कि ये भी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव इनटू नेगेटिव ये भी पॉजिटिव आएगा ये हमारा करंट है, सो टॉर्क जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, यानी ये भी यानी इस तरह और ये दूसरा भी, ठीक है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव वो भी पॉजिटिव आता है, सो हमारा जो टॉर्क होगा इट विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, सो फॉर दैट पर्पज we will not consider B as permanent magnet, rather we will consider B as electromagnet, okay, so यहाँ पे मैंने उसमें curves बनाए भी हैं उसके लिए, आप लोग फिर आगे slides में देख सकते हैं, okay, screen आप लोगों को share है, yes sir, okay, अच्छा यहाँ पे देखिए by proper geometrical placement of the current carrying conductor in the magnetic field, Lorentz force is produced in the operating coil. जिस तरह टॉर्क के साथ प्रोड्यूस होता है, यानी वो जो लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसकी बेस पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अच्छा अब ये देखिए, if constant B is used, अगर B constant होगा यानी permanent magnet से अगर लेंगे तो जाहिर बात है B constant होगा, then the instantaneous torque produced is proportional to the instantaneous value of current. तो फिर टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसका सारा का सारा डिपेंड किस चीज़ पे होगा, करंट पे होगा। सिंस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इज साइनोसाइडल, सो द इंस्टेंटेनियस टॉर्क इज ऑल्सो साइनोसाइडल विच हैज अ ज़ीरो एवरेज वैल्यू, दस नो डिफ्लेक्शन ऑफ द ऑपरेशन इज रिसीव्ड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि उसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे, ठीक है। इफ़ बी इज आल्सो मेड प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, देन इंस्टेंटेनियस टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी जो बी है बी इज प्रोपोर्शनल टू आई और टॉर्क इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू आई, तो फिर क्या होगा कि टॉर्क विल बी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी चूंकि बी आई है ठीक है, तो बी की बजाय भी हम आई लिख दें, बिकॉज बी जो है वो किसी से बनेगा, इसी करंट से ही बनेगा, क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह बनेगा, इसी को हम करंट देंगे ठीक है, इसी को जो करंट देंगे तो वो ये जो ऑलरेडी हम करंट अप्लाई कर रहे हैं कॉयल्स को सही, तो बी के जो कॉयल्स हैं उसको भी हम वही करंट दे रहे थे, सो बी इज प्रोपोर्शनल टू दी इंस्टेंटेनियस करंट एंड टॉर्क इज ऑलरेडी प्रोपोर्शनल टू दी इंस्टेंटेनियस करंट, सो टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर, यानी आई स्क्वेयर एक आई बी की वजह से और एक आई अपने आई की वजह से, जो आई स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ द रिले कंडक्ट कॉज बाय द ऑपरेटिंग टॉर्क मे बी रिस्ट्रेन्ड बाय स्प्रिंग इन द ओवर करंट रिले, इफ द स्प्रिंग हैज ए कॉन्स्टेंट के देन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के देन द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग टॉर्क। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कम लो करंट है, लो करंट आ रहा है ठीक है, उसकी वजह से जो डिस्क है वो डिस्क तो आपको पता है रोटेशन करता है सही, और वो किस तरह रोटेशन करता है, ये यानी इस तरह स्पायरल उसमें जाता है ठीक है, मूवमेंट करता है, जिस तरह जो स्क्रू होता है ठीक है, स्क्रू किस तरह वो करता है ठीक है, वो पहले एक इस तरह राउंड लगाता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे की इस तरह ठीक है, तो इस तरह वो फिक्स हो जाता है, तो इसी तरह जो डिस्क है वो भी इसी तरह मोशन करता है, पहले इस तरह आता है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, आखिरकार जो कंटेक्ट है वो लग जाती है, एक कंटेक्ट यहाँ पे होता है, एक कंटेक्ट यहाँ पे होता है ठीक है, एक मूवेबल कंटेक्ट होता है और एक फिक्स कंटेक्ट होता है, तो जब ये रोटेट करता करता है तो वो आखिरकार जो है ये इसके साथ लग जाता है, जिसकी वजह से रिले ट्रिप सिग्नल जनरेट करता है और वो सर्किट ब्रेकर को देता है और सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑफ हो जाता है। सो ये ऑलरेडी हम कल यानी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग ओके, सो यू कैन यूज़ ए स्प्रिंग इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द करंट और टू रिस्ट्रिक्ट द लिमिट द प्रीसेट वैल्यू फॉर द रिले, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि लो करंट पे ये ट्रिप ना करें सही, तो आप इसको एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करें, और स्प्रिंग जब ये रोटेशन करना चाहेगा भी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इस डिस्क को स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा, सो वो क्या करेगा कि वो उसको लिमिट कर देगा, यानी कम लो करंट पे वो रोटेट नहीं कर पाएगा, स्प्रिंग उसको रोटेट करने नहीं देगा। हाँ, अगर ज़्यादा करंट आएगा तो जाहिर बात है फिर वो अगर स्प्रिंग उसको की यानी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो फिर जो है यानी वो डिस्क रोटेट करना स्टार्ट कर लेगा। तो ये सिर्फ इस वजह से है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये लो करंट पे वो ना करे, डिफ्लेक्शन ना करें ठीक है। व्हेन द डिफ्लेक्शन एक्सीड ए प्रीसेट वैल्यू द रिले कंटैक्ट्स क्लोज एंड ट्रिप डिसीजन इज इशूड, जब कंटेक्ट्स क्लोज हो जाएंगे तो फिर ट्रिप डिसीजन होगा, और फिर जो है यानी जिस तरह हम पढ़ चुके थे कि क्या होगा कि ये देखें यहाँ पे, जब ये सर्किट ब्रेकर है ठीक है, और ये सीटी है और ये रिले है सही, सो सीटी से रिले को एक्साइट होता है ठीक है, मैग्नेटाइज होता है, इससे ये इसकी मैग्नेटाइजेशन से ये सर्किट क्लोज हो जाता है, जब ये सर्किट क्लोज हो जाता है तो ये जो बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है सप्लाई के लिए, इससे करंट स्टार्ट हो जाना हो स्टार्ट हो जाता है ठीक है। नॉर्मल हालत में इट्स एक्ट्स एज ओपन सर्किट, सो नो करंट विल फ्लो, वंस द कॉन्टैक्ट इज क्लोज सो it then become a short circuit and the current allows to flow through this coil. So by when this is energized, so by this way the contacts of the circuit also closes. Okay, so वो क्या हो जाएंगे कि यानी
जो आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है, वो सर्किट और करंट जो है कंपोनेंट्स की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, हम सीटी या वीटी जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, हम डायरेक्टली ये नहीं इसको एनर्जाइज क्यों नहीं करते इस लाइन से। असल में ये बहुत ज़्यादा करंट होता है और बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, तो हम ये करते हैं कि इस हाई करंट को पहले लो में कन्वर्ट कर लेते हैं थ्रू ट्रांसफार्मर एक्शन, यानी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी वजह से हम हमारे ये जो रिले है ये लो पावर पे भी फिर ऑपरेट हो जाता है, ठीक। और अगर हम डायरेक्टली इस पे इसको माउंट करेंगे, इसको एनर्जाइज करेंगे, सो देन वी मस्ट हैव ये हाई पावर रेटिंग कैपेसिटी फॉर द रिलेज, तो जिसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन भी फिर ज़्यादा हो जाएगी एंड इट विल बी कॉस्टली देन। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज जो है उसमें यही मसले हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये आई है, सही, इंस्टेंटेनियस आई, और ये बी है इंस्टेंटेनियस करंट से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी आई की वजह से ये बी बी बना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, सही। तो जब ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे, सही, वी विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, सो देन द एवरेज वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो। पहले चूंकि ये ज़ीरो था, ठीक है, और सिर्फ वाहिद टॉर्क जो है दैट इज़ ओनली प्रोपोर्शन टू द इंस्टेंटेनियस करंट, जिसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो आ रही थी, तो इस वजह से टॉर्क भी ज़ीरो था। तो अब जो है ये नहीं, इसकी इंस्टेंट जो वो है टॉर्क दैट इज़ नॉन ज़ीरो, सही। सो टॉर्क इज एवरेज टॉर्क इज प्रोपोर्शन टू द आई स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, ये उसका मैकेनिज्म है, आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पाइरल स्प्रिंग शेप्ड है, ठीक है, ये डिस्क है। तो जब हेल्दी करंट फ्लो होता है तो ये डिस्क नीचे होता है, जैसे ही करंट जो है यहाँ से जो करंट आ रहा होता है वो प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, फिर फ्लक्स लाइंस भी यानी हैवी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो जब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर लेता है और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके ऊपर के कॉन्टेक्ट के साथ मिल जाता है और ट्रिप सिग्नल जॉइंट कर देता है, सही। तो ये देखिए, एसी इनपुट करंट टू द रिले ऑपरेटिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टिंग एल्यूमिनियम डिस्क, जो बी है वो एल्यूमिनियम डिस्क के परपेंडिकुलर आ रही है। द डिस्क कैन रोटेट एंड इट इज रिस्ट्रेन्ड बाय अ स्प्रिंग, स्पायरल स्प्रिंग। ये देखिए, ये स्पायरल स्प्रिंग है, ठीक, जो टॉप व्यू है उसकी। तो ये जो है इन्हीं अगर रोटेट करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, सही। इफ आई इनपुट इज ग्रेटर देन आई पिकअप देन डिस्क रोटेट्स, यानी जो जो करंट एनर्जाइज होने के लिए चाहिए, सही है, या जो प्री सेट वैल्यू है, अगर आपका इनपुट करंट प्री सेट वैल्यू से ज़्यादा होता है तो डिस्क रोटेट करेगा, सही है, एंड इट विल क्लोज द कंटेक्ट, सही। क्योंकि लार्जर करंट होगा, लार्जर करंट की वजह से लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा करंट फॉल्ट करंट आएगा उतना टॉर्क जो है वो तेज़ी से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उतनी तेज़ी से कंटेक्ट्स क्लोज होंगे, यानी जो ट्रिपिंग टाइम है वो कम होगा जितना ज़्यादा फॉल्ट करंट आएगा, सही। अब अगर इफ़ इनपुट आई इनपुट इज़ लेस देन आई पिकअप, आई पिकअप से वैल्यू कम है, प्री सेट वैल्यू से कम है, तो इट मीन्स के इसको कोई रोटेशन नहीं होगी, सही, कोई रोटेशन इसको नहीं होगी। ओके, अब सॉलिड स्टेट रिलीज ये हम पढ़ते हैं, सही। सॉलिड स्टेट रिलीज जो है ये फिर एडवांस रिलीज हैं उसके मुकाबले में, और
और ये जो है ये ट्रांजिस्टर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो इस तरह के जो वो हैं सेमी कंडक्टर, इन से ये बने हुए होते हैं। ठीक, तो सॉलिड स्टेट रिलीज आर डेवलप्ड विद द एडवेंट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड ऑपरेशन एम्पलीफायर्स, इन से ये सेमी कंडक्टर डिवाइस से बनी होते हैं, यूजिंग वेरियस ऑपरेशंस लाइक कंपैरेटर एक्सेट्रा, एंड देयर फोर प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैव लेस पावर कंजम्पशन देन देयर इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटर पार्ट। नहीं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसका के मुकाबले में इसकी पावर कंजप्शन कम होती है, यानी अगर वो चूंकि उसमें डिस्क इन्वॉल्व होता है, टॉर्क होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, तो उसकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें तो सेमी कंडक्टर वो हैं डिवाइसेस हैं, यानी ट्रांजिस्टर है, थायरिस्टर है, ओपेम है। सो इसमें ये होगा कि इनकी जो पावर कंजम्पशन है वो कम होगी, और ओपेम आपको पता है, ओपेम एक बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस का एम्पलीफायर होता है, ऑपरेशन एम्पलीफायर एक्ट्स एज ए एम्पलीफायर, एक्ट्स एज ए टू डी, एक्ट्स एज ए कंपैरेटर। सो इन दिस पार्टिकुलर रिले वी कैन यूज़ द कंपैरेटर फंक्शन ऑफ द ओपेम इन सॉलिड स्टेट रिले, दैट इज़ वी कैन कंपेयर द इनपुट करंट विद द प्री सेट वैल्यूज ऑफ द रिले। सो वंस द इनपुट करंट इज ग्रेटर देन द प्री सेट वैल्यू ऑफ द रिले, सो बाय कंपैरिजन वी कैन से दैट अ ट्रिप सिग्नल शुड बी इशूड। ओके, सो ये लो पावर होती हैं, और ये जो है ये मल्टी फंक्शंस होती हैं, और इसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसकी सेटिंग यानी खुद से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एबिलिटी टू प्रोवाइड सेल्फ चेकिंग फैसिलिटी, दैट इज़ द रिले कैन मॉनिटर देयर ओन हेल्थ एंड रेज अ फ्लैग और अलार्म इफ इट्स ओन कंपोनेंट फेल्स। यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को हम देखें, तो अगर उसमें कोई फॉल्ट अकर होता है या उसका कोई डिस्क अपनी जगह से हिला हुआ है, तो उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो ये बता सके, ये अलार्मिंग दे सके, ये जो है यानी मैसेज दे सके कि मुझ में ख़राबी है, बल्कि बस वो आपको गलत रीडिंग ही फिर देता रहेगा। मगर सॉलिड स्टेट रिलीज चूँकि ओपेम और इस तरह के ट्रांजिस्टर्स वगैरह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी हुई होते हैं, सो इसमें ये कमाल है कि अगर इसमें कोई सेल्फ अपने कंपोनेंट में कोई ख़राबी आती है, सो इट हैज़ एबिलिटी टू अलार्म और टू इन्फॉर्म, सो इट हैज़ सेल्फ चेकिंग फैसिलिटी, इट कैन मॉनिटर इट्स ओन हेल्थ। ओके, दिस इज़ नॉट द केस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज, बिकॉज डिस्क डिस्प्लेस्ड देन इट हैज़ नो एबिलिटी टू इन्फॉर्म, सो वी हैव टू पीरियोडिकली इंस्पेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज। हमने खुद से वक्तन फवक्तन यानी दिन के 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, या इस तरह कुछ अर्से बाद हमने खुद इंस्पेक्शन करनी होगी, और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलीज ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई है तो वो खुद से आपको नहीं बता सकते। दूसरा इसका ये है कि लो बर्डन का मतलब लो पावर कंजम्पशन। ठीक है, इम्प्रूव डायनेमिक परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक, हाई सिस्मिक विदस्टैंड कैपेसिटी। हाई सिस्मिक विदस्टैंड कैपेसिटी का मतलब है सिस्मोलॉजी, आप पता है ये जलजले वगैरह, यानी जब कोई चीज़ हिल जाती है तो इसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो हाई सिस्मिक विदस्टैंड कैपेसिटी का मतलब यही है कि अगर इसका डिस्क हिल गया है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, तो हिलने की वजह से ठीक है इसमें ख़राबी आ सकती है। तो इसमें चूँकि जो सॉलिड स्टेट रिलीज है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई डिस्क वगैरह इसमें नहीं होता, कोई टार्क इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है,
तो इसलिए इसमें ये सिस्मिक विथस्टैंड कैपेसिटीज की ज़्यादा है कि इसमें अगर कोई यानी उस आईसी को हिला भी दे तो इसकी रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप उसको हिलाएं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को हिला दें, या खुद हिल जाए या हिला दें या जलजला वगैरह आ जाए इस तरह की, ठीक है। तो इसमें फिर ये है कि चूंकि उसमें रोटेटिंग पार्ट्स होती हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि सॉलिड स्टेट रिलेज में जो सिस्मिक विथस्टैंड कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। सेकेंडली, इट हैज़ रिड्यूस पैनल स्पेस, मीन इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े बड़े रिलेज होती हैं और इसमें पूरा एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एनर्जी मीटर जो होती हैं वो इसकी एक अच्छी मिसाल है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। डिस्क वगैरह होता है उसमें। अच्छा, रिले बर्डन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द वोल्ट एम्पेयर कंज्यूम्ड बाय द रिले। हायर इज दिस वैल्यू, मोर इज द करस्पॉन्डिंग लोडिंग ऑन द करंट एंड वोल्टेज सेंसर, दैट इज सी टी एंड वी टी, विच एनर्जाइज दीज रिलेज। अच्छा, जो आपको पता है रिले को एनर्जाइज करने के लिए हम सी टी या वी टी यूज़ करते हैं, और उसका मैंने आपको बताया कि वो फंक्शन ये है कि जो हाई करंट आ रहा है या हाई वोल्टेज है उसको पहले आप सी टी और वी टी से उसको रिड्यूस करते हैं ताकि रिले को पे बर्डन कम आ जाए, यानी जो पावर बर्डन है उसका वो कम से कम उसको उठाना पड़े। जो ट्रांजिस्टर्स हैं या इस तरह के, तो ये लो बर्डन होती है, यानी इसमें वोल्टेज और एम्पेयर की जो वैल्यूज़ हैं वो कम, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, सही। ए परफॉर्मेंस ऑफ सी टी और वी टी इज गेज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी वेव फॉर्म सिग्नल। हायर बर्डन लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ सी टी सेचुरेशन एंड इनएक्यूरेसीज इन मेजरमेंट। दस इट इज़ डिज़ायरेबल टू कीप सी टी वी टी बर्डन एज लो एज पॉसिबल टू अवॉइड सेचुरेशन ऑफ सी टी। ये कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सी टी जो हैं, यानी ये रिले है, ठीक है, ये वो कॉयल आया हुआ है, सही, और ये हम सी टी हमने लगाया हुआ है, सही, ये इसके साथ कनेक्ट है, लाइन तो सीधा आया हुआ। ओके, सो ये सी टी है। अब अगर इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी हाई एम्पेयर्स और हाई वोल्टेज इसको आपने अप्लाई की हुई है प्राइमरी साइड पे, सो व्हाट विल हैपन, एक्चुअली क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सी टी पे वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना एम्पेयर ज़्यादा होंगे उतने उसके जो है फ्लक्स ज़्यादा होगी, उस फ्लक्स की वजह से उस सी टी की सेचुरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी साइड पे वो सेचुरेटेड रीडिंग आप, यानी सेचुरेशन ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो यहाँ पे जो रिप्लिकेशन बन रही है, क्योंकि असल में तो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे तो करंट नहीं आ रहा, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे करंट आता है सेकेंडरी साइड पे। अगर प्राइमरी साइड पे सी टी जो है वो सेचुरेट है, तो सेकेंडरी साइड हमारा जो है वो रिले है, तो इस सेचुरेशन की वजह से यहाँ पे जो वेव फॉर्म बनेगा रेप्लिका का वो सही नहीं बनेगा, ठीक। तो इसलिए सेचुरेशन को अवॉइड करना है सी टीज और वी टीज का। और सेचुरेशन किस तरह अवॉइड होगी कि आप सी टी और वी टी को कम रेटिंग की, इसकी वी ए रेटिंग कम होनी चाहिए, यानी करंट भी कम हो और वोल्टेज भी कम हो। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज हैं तो जाहिर बात है फिर उसमें जो वी ए बर्डन होगा सी टी पे वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी अपनी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जबकि इसके मुकाबले में सॉलिड स्टेट रिलेज या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेज जो होती हैं उनमें ये कमाल है कि उनकी अपनी पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सी टी पे भी बर्डन कम होता है ए वी का या वी ए का। सो बर्डन कम होने की वजह से सेचुरेशन
प्रोड्यूस नहीं होता। जब सैचुरेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो प्राइमरी साइड से जो सेकेंडरी साइड पे जो रेप्लिका बनता है करंट का या वोल्टेज का, तो वो क्या होगा, वो प्रॉपर होगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा, सही है ना। ये देखिए एक सैचुरेशन की एक वो है, ग्रीन डॉट्स जो हैं वो सीटी प्राइमरी की सीटी को शो कर रहा है, और जो सॉलिड ब्लैक लाइन है ये सीटी के सेकेंडरी को शो कर रहा है। तो आप देखें प्राइमरी इस तरह है, ठीक है जी। ये तो स्टार्ट में यानी सेचुरेशन कम होगी, फिर जो है सेचुरेशन ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो ये देखें जिसकी वजह से जो है यानी रीडिंग जो है वो सही नहीं आएगी, वेदर इट इज़ कन्वेंशनल पावर ट्रांसफार्मर और एन इंस्ट्रूमेंट करंट ट्रांसफार्मर, चाहे कन्वेंशनल पावर ट्रांसफार्मर हो या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, सीटी और वीटी जो हैं इनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक। सो इट्स कोर विल गेट सैचुरेटेड, इसका जो कोर है वो सैचुरेट होता है, इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर इंक्रीजेस बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू। अगर जो मैं ये सैचुरेट तब होता है जब एक फ्लक्स की वैल्यू एक ख़ास वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, एंड दैट वैल्यू डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर एंड इट्स मैग्नेटिक टाइप। ये किस मटीरियल से बना है, फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या ठीक है डायमैग्नेटिक है, तो ये सारे मैग्नेटिक टाइप, किस मैग्नेटिक टाइप से बना है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इस पे ये डिपेंड करता है कि इसकी सैचुरेशन जल्दी होगी जल्दी नहीं होगी क्या होगा। तो जितना हम सी टी वी टी पे वी ए का बर्डन कम रखेंगे इतना जो है सैचुरेशन रिड्यूस होगा, उतना ये रेप्लिका अच्छा बनेगा सेकेंडरी साइड पे और हमारी रीडिंग वो एक्यूरेट होगी। अच्छा इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल रिलेज हैं, तो न्यूमेरिकल रिलेज जो हैं वो इससे भी एडवांस हैं, इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ होता है, सही। और रीडिंग जो है वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू दिए जाते हैं, इसमें बाकायदा एल्गोरिथम होता है और कोडिंग की जाती है, प्रोग्राम होता है, और हम उसमें प्रोग्राम में जिस तरह हम कोडिंग में आप लोग माइक्रो प्रोसेसर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में किए हुए होंगे, आपने एक माइक्रो कंट्रोलर में एक डेटा दिया होगा 10 और आप कहेंगे इफ इनपुट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10, यानी जिस तरह आप कंपैरेटर में करते हैं, सो एनेबल पिन नंबर 2 अदरवाइज एनेबल पिन नंबर 6 इस तरह, तो वो सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो वो उस वैल्यूज़ के लिए पहले आप लोगों ने जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है यानी टेम्परेचर है या करंट है या वोल्टेज है, वो तो फिजिकल वो है, तो फिर उसको ट्रांसड्यूसर के थ्रू उसको कन्वर्ट करना होगा आप लोगों ने, फिर उसको एम्पलीफाई करना होगा, उसको फिल्टर करना होगा, फिर उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर को देंगे और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिलीज जो है वो डिसीजन लेगा, सही है। और अगर वैल्यू प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा होगी तो फिर ट्रिप्ट डिसीजन इशू होगा, नहीं तो फिर वो अपनी उससे यानी उसको इसी करंट को हेल्दी करंट को बरकरार रखेगा। अच्छा इसमें ये भी कमाल है कि आप यानी कोडिंग की वजह से अगर पहले आप लोगों ने प्रीसेट वैल्यू 10 ली थी, अब आप ये चाहते हैं कि नहीं प्रीसेट वैल्यू हमारी 15 एम्पीयर हो, तो बस कोडिंग में चेंज कर लें, आसान काम है। तो इसमें यानी अगर वैसे अगर आप लोग मार्केट में 5 एम्पीयर करंट वाली रिले लें तो अगर चाहिए तो वो आप लोगों ने अलग से लेनी होगी, अगर 10 एम्पीयर की चाहिए तो वो आप लोगों ने अलग से लेनी होगी, अगर 15 चाहिए तो अलग से लेनी होगी। तो न्यूमेरिकल बेस्ड रिले में ये कमाल है कि वो फ्लेक्सिबल है, आप उसको 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, 15 जो चाहे आप उससे बना सकते हैं, बस कोडिंग में चेंज करते जाएं। तो ये देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ गई है, सही। तो आप उस अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल ओवर करंट रिले है तो ओवर करंट रिले अलग होती हैं, अंडर करंट के लिए अलग रिले होती हैं। सो न्यूमेरिकल रिलेज आर मल्टी इन वन, वो उस एक न्यूमेरिकल रिले से आप कभी ओवर करंट रिले बनाएं, फिर कभी अंडर करंट रिले बनाएं,
कभी डिस्टेंस रिले बनाए, कभी डिफरेंशियल रिले बनाए, तो मुख्तलिफ रिले आप एक ही रिले से बना सकते हैं। तो इसमें ये कमाल है, आपने इसमें सॉफ्टवेयर को फीड करना है और इस एक रिले से आप मुख्तलिफ स्केलिंग करके मुख्तलिफ रिलेज बना सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल रिलेज हैव द एडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट रिलेज लाइक सेल्फ चेकिंग एटसेट्रा, सेल्फ चेकिंग वगैरह भी इसमें होती हैं। ठीक है, ख़ुद से ये चेक करता है। इसमें इंटेलिजेंस भी होती है, यानी इंटेलिजेंस किस तरह इसको एडॉप्टिव वो भी कहते हैं, यानी रिले कैन बी मेड एडॉप्टिव, दैट इज इट कैन एडजस्ट टू चेंजिंग अपैरेटस और सिस्टम कंडीशन, रूम टेम्परेचर एटसेट्रा। यानी अगर सर्दी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रिले को ये पता हो कि रूम टेम्परेचर में इसमें सेंसर मौजूद हो, रूम टेम्परेचर को सेंस करें और वो जो है यानी उसके हिसाब से डिसीजन ले। ठीक है, यानी अगर करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है तो वो गर्मियों में ये होगा कि एक्सटर्नल हीट भी उसमें ऐड होगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर उससे अपना, और करंट की वजह से भी जो टेम्परेचर ऐड होता है तो वो डबल हो जाती है। यानी केबल का अपना करंट की वजह से हीट और बाहर से जो एनवायरनमेंट का हीट है वो ऐड अप होके तो डबल। तो इसमें ये सेंसिंग हो कि नहीं ये तो एक्सटर्नल हीट है तो आपने फिर इसको जो है ट्रिप्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें AI सिस्टम होगा। AI जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो कि खुद ब खुद ये डिसीजन लेती है कि मैं यानी अपनी इस प्रीसेट वैल्यू को किस तरह सेट करना है। सही, न्यूमेरिकल रिलेज आर बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। प्रेजेंटली भी यूज़ होती हैं और इस ये फ्यूचर भी है उसका, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के फ्यूचर भी है, तो लिहाजा ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये देखें टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर्स मैंने शुरू किए, दो किस्म के टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर्स हैं, ऑफ लोड एंड ऑन लोड। ठीक है, सो ये खैर हम बाद में पढ़ेंगे भी, मगर यहाँ पे मैंने शो करने का मकसद ये है कि अगर टेप चेंजिंग जो है आपने वैसे तो मैन्युअली करते हैं, मगर इसमें चूंकि आप लोग इसमें स्मार्टनेस है और स्मार्ट रिलेज हैं, तो जिसकी वजह से इसमें टेप चेंजिंग आप मैन्युअली नहीं करेंगे बल्कि ये खुद से ही करेगा। सो देखिए अब ये न्यूमेरिकल रिलेज में ये जो है ये अडॉप्टिव टेक्निक इसको कहते हैं। ठीक है, कि ये खुद ब खुद डिसीजन को अडॉप्ट करे कि मुझे अभी इस वक्त क्या करना चाहिए। ठीक है, टेप चेंजिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल रिलेज। ठीक है, तो ब्रेक के बाद फिर हम सर्किट ब्रेकर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।